नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार तुर्किया वशिष्ठ .com की तरफ से। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक इच्छा पूर्ति विधि बताई थी, जिसमें कि 3 पेज लेने थे और उस पर अपनी जो मनोरथ था वो स्पष्ट करना था। लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। आपको करना क्या है कि 3 दिन, जैसे पहला दिन है तो सिर्फ 1 पेज लीजिए, पहले दिन में 1 पेज को भरिए, जो भी आपका विश है उसको लिखिए और इसको फोल्ड करके किसी भारी पत्थर, किसी चट्टान के नीचे दबा दीजिए। ऐसी कोई चट्टान हो उसके नीचे दबा दीजिए। अब जो अगला दिन आएगा उसमें दूसरा पेज लीजिए। अगले दिन में आपको दूसरा पेज लेना है और उसको भर देना है। जितने भी आपकी मनोकामना है वो सारी लिख सकते हो, पीछे भी लिख सकते हो, कहीं पर भी लिखिए, और बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखकर इसको भी फोल्ड कर दीजिए। इसको भी आप पत्थर के नीचे उसी दिन दबा सकते हो या फिर तीनों को एक साथ दबा दीजिए। अब तीसरे दिन जो आखिरी दिन है, वहां पर भी आपको अपनी जो है जो भी मनोकामना है वो लिखनी है, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में। दोनों तरफ लिखिए, जितनी भी आपकी मनोकामनाएं हैं सारी लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी इच्छा हो सारा कुछ भर दीजिए यहाँ पर। अब क्या करना है, आपको ये भी वहीं पे दबा देना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तीनों कागज एक साथ दबाते हो या एक एक करके दबाते हो। इन सबको फोल्ड करके, चाहे तो तीनों कागज एक साथ दबाइए या फिर एक कागज दबाइए, बस आपको यहां पर चाहे तो यहां पर गड्ढा कीजिए, इस चट्टान के नीचे दबा दीजिए। क्योंकि ये जो पहाड़ होते हैं या फिर जो भी चट्टाने होती हैं, ये आदि काल से यहां पर है और इन्होंने ना जाने कितने जीवन देखे हैं। ये आपका जो भी मनोरथ है उसको स्पष्ट कर देंगी। पत्थर भी बोलते हैं, आप कभी देखिएगा, आप अपनी बातें जो है पत्थरों से कीजिए, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर, ये भी आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। बस आपको एक चट्टान ढूंढनी है बड़ी सी, जैसे कि ये है, या फिर कोई भी भारी चीज, उसके नीचे अपना जो विश है वो सारा कुछ गाड़ दीजिए यहाँ पर, गड्ढा खोद कर या फिर इसके नीचे रख दीजिए, तो जो भी आपको मनोरथ है वो शीघ्र अतिशीघ्र आपके सामने होगा। आप जैसा चाहोगे वैसा आपके सामने होगा, बस आपको भूल जाना ये मनोरथ यहाँ पर गाड़ कर, और जैसे ये पूरा हो तो यहाँ से इसको निकाल लीजिए। और अगर ये ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका जैसे ही मनोरथ स्पष्ट हो यहाँ पर आकर एक बार देखिएगा ज़रूर कि ये पेपर यहीं पे है या फिर कहीं और चला गया है। थैंक यू।